हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने जनरल स्टोर या फिर अपने मिनी मार्ट के लिए या फिर आपका कोई मिठाई का दुकान है या फिर खाने पीने का रेस्टोरेंट है तो उसके लिए कोक और पेप्सी से कैसे आप डिस्प्ले फ्रीजर यानी कि डिस्प्ले चीलर कैसे ले सकते हैं। हाँ जी, बेसिकली काफ़ी लोगों को लगता है कि ये डिस्प्ले फ्रीज होता है, बेसिकली ये डिस्प्ले फ्रीज नहीं होता है, डिस्प्ले चीलर होता है जो कि आपको पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ये अपनी ब्रांडिंग करके, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके और अपने जो सेलर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप कैसे ले सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे जब भी अपडेटेड वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे एक ब्रांडेड चिलर या फ्रीजर जो है वो कोक से या फिर पेप्सी से आप ले सकते हैं। बेसिकली इसको लेने के लिए आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना पड़ता है। जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसे कि कोक का हुआ, पेप्सी का हुआ, ये अपने लोकल एरिया में जितने भी स्टोर है, रेस्टोरेंट है या फिर ग्रोसरी स्टोर है जहाँ जहाँ पर उनके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है यानी कि कोल्ड ड्रिंक को सेल किया जाता है तो वो हर स्टोर पे जा जा के अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवरी करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, डिलीवरी करते हैं। आपको अपने एरिया के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा या एजेंसी जो भी जिसने भी ली हुई है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे बात करनी होगी। इसके कुछ पेपर वर्क होते हैं जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आपसे करवाता है। एक तो फॉर्म आपसे फिलअप करवाया जाएगा, साथ में ही 100 रुपीज़ का एक चेक वो लेगा मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे। उसके अलावा आपको फ्रिज की ना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है जिसका 10,000 का चेक वो एक आपसे लेगा जो कि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा। हर जगह के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं यानी कि कुछ जगह पे सिर्फ आपसे 2 चेक लिया जाएगा, वो आपके एरिया में क्या लागू है, कौन सा रूल अप्लाई होता है वो आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको बता पाएंगे। और कुछ एरिया पे जो है 3 चेक आपसे लिया जाएगा, एक 100 रुपीज का, एक 6,000 के आसपास का और एक 10,000 के आसपास का। तो जो 10,000 का जो चेक होता है वो रिफंडेबल होता है, जब भी आप उनका फ्रिज वापस करोगे तो वो 10,000 का चेक जो है वो आपको वापस मिल जाएगा, वो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आपसे लेकर रखा जाता है। तो और उसके बाद आप जब अप्लाई करोगे सबसे पहले तो वो आके आपके स्टोर को विजिट करेंगे, उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ आप के यहाँ पर सेल है आपको फ्रीज देना चाहिए तो वो आपके साथ ये सारा प्रोसीजर जो है प्रोसीड करेंगे। साथ ही इसमें कुछ बेनिफिट भी है और कुछ डीमेरिट भी है। बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 10,000 में एक कंपनी का नया ब्रांडेड डिस्प्ले फ्रीजर मिल जाता है यानी कि डिस्प्ले चीलर मिल जाता है। अगर इसी को आप मार्केट में परचेज करने जाओगे जैसे सेलफोर्स का है, वेस्टर्न का है और भी काफ़ी सारी कंपनी हैं उनके भी चीलर या डिस्प्ले फ्रीजर अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप उनको परचेज करने जाओगे तो सेम साइज का जो है अराउंड तकरीबन 30,000 से 35,000, 40,000 तक का पड़ता है, वो डिपेंड करता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। तो ये एक फ़ायदा होता है अगर आपको कंपनी से डायरेक्ट मिल जाती है तो आप 10,000 में ही एक अच्छा खासा चीलर आपको मिल जाता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि अगर मान लो कि आपके पास स्पेस कम है और आपने एक पेप्सी का फ्रिज आपका पहले फाइनल हो गया, पेप्सी का फ्रिज पहले आपको मिल गया तो आप उसमें कोक का आइटम नहीं रख सकते, किसी और ब्रांड का आइटम उसमें सजा के नहीं रख सकते, फ्रिज चिल नहीं कर सकते, ठंडा नहीं कर सकते, यानी कि आपको सिर्फ पेप्सी का ही आइटम, जिस ब्रांड का फ्रिज है उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को ही सिर्फ आप रख सकते हो। तो ये उनकी सबसे पहली क्राइटेरिया होती है जब भी आपको फ्रिज देंगे तो वो ऑन पेपर और मौखिक हर तरह से आपको समझा दिया जाएगा कि आप हमारे फ्रिज में किसी और का आइटम
नहीं रख सकते, किसी और ब्रांड का आइटम नहीं रख सकते। यही एक डिमेरिट है और कोई डिमेरिट नहीं है, आप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सिर्फ एक ब्रांड का ही आइटम सेल करना चाहते हो या एक ही ब्रांड के आइटम को ही रखना चाहते हो, या आपके पास स्पेस है आप अलग अलग ब्रांड के भी फ्रिज रख सकते हो या चिलर रख सकते हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें टाइम कितना लगता है, बेसिकली नवंबर से लेके जनवरी तक उनके नए फ्रिज आते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ही अभी ही अप्लाई करना पड़ता है, सितंबर अक्टूबर तक आपको अप्लाई कर देना होता है इनके डीलर से मिलके। तो तकरीबन जब आप अप्लाई कर देंगे, जब आप चेक जमा कर देंगे, जब आपका वेंडर आईडी बन जाएगा कंपनी में, उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीना लगेगा आपके यहाँ पे फ्रिज डिलीवर होने में। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आप किसी और ब्रांड का लेना चाहते हैं, जैसे सेल्फोस्ट है, वेस्टर्न है, इनके लेना चाहते हैं, तो उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप डिटेल देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, बाय बाय।